टेम्पो मेरे पकड़ लिया है। भारत माता की जय। आशीष भाई बाग बाग तो नहीं मिलेगा आज हमको। हेलो तो मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप लोग सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं और आशीष भाई निकले हैं जंगल कैंपिंग के लिए एक नए व्लॉग की शुरुआत करते हुए। और आशीष भाई मेरे से थोड़ा आगे आगे चल रहे हैं और ये आशीष भाई चल रहे हैं और मेरे पीछे का आप नज़ारा देख सकते हैं। सनसेट का टाइम है अभी और काफ़ी लेट हो चुकी है और मेरे से बिल्कुल चढ़ाई पर चढ़ा नहीं जा रहा है इस बैग को लेकर के, फिर भी हम चल रहे हैं। तो आशा है कि आप भी बने रहेंगे व्लॉग में और इन्जॉय करेंगे हमारा कैंपिंग का व्लॉग। और आज नई लोकेशन पे जाने वाले हैं और थोड़ा बाग बाग भी ज़्यादा हो रखे हैं तो हम सोच रहे हैं कि बस बाग ना मिले और सब मिल जाए। तो ये हमारे आशीष भाई और यहाँ पे बहुत सारे सनसेट पॉइंट आ रहे हैं और थकान बहुत ज़्यादा लग रही, बहुत ज़्यादा। और ये मेरे सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर, और देहरादून सिटी भी हम आपको यहाँ से दिखाएंगे। और मेरी बहुत हालत ख़राब हो चुकी है गाइस। हम जो है काफ़ी ऊंचाई पर आ चुके हैं और फाइनली हम सोच रहे हैं कि ये हमें थोड़ा सेफ जगह लग रही है इन दो पहाड़ों के ऊपर, यहाँ पर जो है अपना टेंट वेंट लगाया जाए। अभी यहाँ पर थोड़ा सफाई करने को है, बाकी है काफ़ी। यहाँ पर जो है काफ़ी झाड़ियाँ हो रखी हैं और ये आशीष भाई हमारे यहाँ पर हैं और सनसेट भी होने ही वाला है। मेरे चारों तरफ का आप नज़ारा देखिए मैं कितनी ऊँचाई पर हूँ, पहाड़ भी बिल्कुल हमारे जो है बराबर से ही लग रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं, एक ये दूसरा वाला पहाड़ है और एक ये सामने है और इस पर तो हम हैं, ये देखो कितनी ऊंचाई पर हैं हम। हेलो तो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं अपने कैंप लगाने की जगह पे और जगह हम थोड़ा साफ़ कर रहे हैं और मैं आपको दिखाता हूं कहां पर ये कैंप लगने वाला है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा जंगल ही जंगल है, एकदम घुच भरा हुआ। और आशीष भाई हमारे वो वहाँ उस पहाड़ी के ऊपर हम कैंप लगाएंगे और वहाँ पर सफाई करेंगे और वो दिख रहे हैं साफ़ करते हुए अपने खंजर से। और मैं लेके चलता हूँ आपको आशीष भाई के पास। कुछ ऐसा ये नज़ारा है। और पहले हमने फ़ोन जो है साइड में ही रखा हुआ था, फ़ोन और बैग। ये देख सकते हैं आप, ये देखो ओए चाकू टूट जाएगा। ये हम थोड़ा औजार लाना भूल गए हम अपना। ये क्या कर रहा है भाई, मारेगा क्या? ये चाकू तोड़ दिया इसने। दिखाओ 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 दिखाओ, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ आप देखिए कहाँ पर हूँ मैं अभी। ये सनसेट है और ये पहाड़ का जो है पीक है। हम कोशिश कर रहे हैं कैंप हम यहीं पे लगाएं और कितनी ऊंचाई पे हूँ। और यहाँ पर जो है ये फिसलन वाली जो है ये घास है और इससे हम जो है फिसल के सीधा नीचे जा सकते हैं। और मेरे नीचे आप ये देखिए कितनी ऊंची खाई है, यहाँ से देख रहे हैं आप और कितनी ऊंचाई पर मैं हूँ। और ये सनसेट का आप नज़ारा देखिए, सनसेट होने ही वाला है। कोहरा लगा हुआ है, थोड़ा फॉगी सा वेदर हो रखा है। और इस तरफ जो है ये बड़े बड़े पेड़ हैं जो मेरे से बहुत नीचे हैं और बीच में यहाँ पर भी जो है एक दरार पड़ी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। दिख नहीं रहे वैसे।
तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। और अभी हम लगाने वाले कैंप, और मैं हूँ इस पहाड़ी के ऊपर, और यहाँ पर हो रहा है धुआं ही धुआं, जो कि हमने कराया है। अभी थोड़ी सी सफाई की हमने, और इसका भी पूरा ध्यान रखा है कि जंगल में आग ना फैले। क्यों आशीष भाई? और अभी आशीष भाई नीचे वाली पहाड़ी से सामान फेंक रहे हैं मेरे पास, और मैं यहाँ पर कैंप लगाने की पूरी कोशिश करूंगा जहाँ पे जानवर ना आए। बहुत छोटी सी जगह है, पर यहाँ पर थोड़ा ऐसे है कि यहाँ पे जानवर ना आए। बस मुझे लगता है आज की रात जो है बैठ के ही गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जगह कम है, इस हिसाब के नहीं है जिस हिसाब की हर बारी रहती है। हेलो गाइस, भारत माता की जय। अबे टॉर्च बंद करना और ना कुछ दिखता। हाँ हाँ, अब लग गया भाई चमकाने को, आग जग रहे बहन कर की। चल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अबे ठीक है, वो एक छोड़ हूँ पकड़। हाँ यूँ पकड़ अगवा डबर आओ। अब वो भूमि रहने और भूमि मतलब कट्टा कर लगा। हाँ किसान लगा भूमि खड़ा नहीं करने। अभी तो आशीष भाई बना रहे हैं चाय, और मैं काटता हूँ प्याज और टमाटर अपने किसके लिए? मैगी के लिए, जो हमारी फेमस है भाई, जो फेमस है हमारी, मतलब इजी बन जाती है ना व्लॉग में, कैंपिंग वगैरह में। जिनको भी नहीं आता, नहाता भी नहीं होगा, वो भी बना लेंगे आराम से। ये नाम ठीक है ना भाई? डब्ल्यू करता फोन कर दे क्या? तो गाइस ऐसे कुछ हालात हो जाते हैं नाइट कैंपिंग में। अगर आप भी जंगल में आए तो भाई क्या बात है, एक टावर नहीं, एक टावर नहीं भाई के फोन में, एक नेटवर्क नहीं आ रहा है, एक नेटवर्क नहीं, एक नेटवर्क। घर में भी हम इन्फॉर्म नहीं कर सकते, कॉल भी कैसे करनी है भाई जी को, फोन से चौ होने वाला है। हाँ भाई, तो बहुत तेज आंच लग रही है यहाँ पर फेस पे। तो आशीष भाई चूल्हे में जो है लकड़ियां लगा रहे हैं, और यहाँ पर जो है कढ़ाई उन्होंने रख दी है, तो ये मोबाइल की फ्लैश से कढ़ाई को दिखाएंगे जरा। और चाय भी बन चुकी है हमारी, ये हमारे दो गिलास, हम दो हमारे दो गिलास। और मैं लगाने वाला हूँ कैमरे के पीछे से जंप फिर दोबारा से। ये हमारी थोड़ी चाय बस्ती
तो यहाँ पर जो है हमारे ये प्याज टमाटर रेडी हो चुके हैं और ये हमारा बड़ा सा चाकू जो आपने देखा ही होगा ढक्कन और ढक्कन और कहीं को चाय को धन्ना चल ठीक है। तो मैं इनको मसाला इनको डाल देता हूँ इसमें ये बात सूती पानी में पक जाला ना गल जाला चाय को ढक्कन ढंग से जगह हुआ भाई बहुत तेज आंच है यार मिले तेरे चाय तो चाय ये जो है हमारी रेडी हो चुकी है गाइस और अब हम जो है चाय पीने वाले हैं और आप ही मेरा थोपड़ा ये टॉर्च से देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा होगा गई थी अभी इसमें क्या है भाई जो भी होगा डाल दे बस अंधेरे में ये डाल देंगे हम एक्स्ट्रा मिर्ची पूरी मिर्ची नहीं कम तो नहीं मिर्च तो आप देख सकते हैं कुछ मसाला चूल्हे में चला गया है और कुछ मैगी में जाने वाला है चला गया मतलब हल्दी भी हो गई नमक मुझको वैसे भी ज्यादा लग रहा था तो मैंने कुछ चूल्हे में ही वैसे डालना नहीं चाह रहा था चला गया चूल्हे में और पाला गिर रहा है यहाँ पर बहुत तेज और आंखों से मेरे पसीना लग रहा है और गर्मी भी काफी हो रही है चूल्हे के पास बैठ के और बहुत इंजॉय आ रहा है। पीछे वो जो है लाइटें आपको अगर दिख रही होंगी तो वो देहरादून शहर है और हमने जो है पत्थर की जो है पीक पर जो है टेंट लगाया है और दो पत्थर हैं यहाँ पर काफी ऊंचाई पर एक हमारे उस तरफ जहाँ पर हमने कैमरा रखा है और एक हमारे इस तरफ मैगी को दिखाओ जरा लाइट जलाओ मैगी को देख सकते हैं हमारे किंग यही देखते हैं खाना वाना बनाने का मैक्सिमम पहले तपिस भाई देखते थे तो उनके पास तो बहुत टाइम नहीं है आजकल बीमार हो रखे थोड़ा बीमार चल रहे हैं थोड़ा बिजी चल रहे हैं और तो हमको ही देखना पड़ रहा है ये सब है। मुझे तो भट्टी कुछ इस प्रकार से हमारी जल रही है यहाँ पर और ये है हमारा दूसरा चूल्हा हर बार की तरह और ये हमारी मैगी पे जो है खद्दे लग रहे हैं यहाँ पर तो आशीष भाई जरा सा इसको ऐसे कर दो मिला दो हाँ मतलब वही मिला दो कुछ कर दो अबे 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 क्या कर बन गए शायद है ना पानी बहुत गर्मी आप देख सकते हैं कितनी गर्मी लग रही है यहाँ पर अभी दोनों तरफ से भट्टियाँ जल रही हैं यहाँ पर टैलेंट इन्होंने कढ़ाई को कैसे उतारा है अगर थोड़ा बहुत भी रिस्क होता तो इसकी जिम्मेदारी इनकी होती सारी की सारी और हमें भूखा रहना पड़ता है इनके चक्कर से पर क्या करें भरोसा करना पड़ता है इन पे भी ये भी मुझ पे भरोसा करते तो मुझे भी इन पे भरोसा करना पड़ता है क्यों आशीष भाई कि घर जाके देखेंगे अब जो भी देखेंगे कि मतलब भूखे भी रहेंगे तो घर जाके देखेंगे चलो भाई आशीष भाई बंटवारा करेंगे मैगी का ओम नमः शिवाय ये भूत प्रेतों के लिए थोड़ा बहुत हमने डाल देते हैं गढ़वाली लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं इसमें तो यहाँ पर कुछ ऐसा सेटअप है हमारा आशीष भाई अभी कैमरामैन प्रवीण सिलकोटी के साथ और दोनों कटोरियों को लेके बैठ रहे हैं क्योंकि मैं तो दोनों हाथों से खाने वाला हूँ हाँ जो है गाइस खाने पीने की व्यवस्था चालू हो चुकी है आशीष भाई थोड़ा ऊंचाई पे बैठे हैं और हम थोड़ा नीचाई पे तो कैमरे में या तो मेरे कटोरे आएंगे या मैं या आशीष भाई बहुत गर्म हो गया भाई आराम से आराम से मैगी जो है गाइस बहुत गर्म हो चुकी है और यहाँ पर बहुत ही मजा आ रहा है पूरा जंगल में अकेले पूरे अकेले जंगल में हम लोग और मैगी में हो चुके हैं बहुत सारी मिर्चे मेरे लिए तो ठीक है और इनके लिए तो ठीक है मुझको तो बहुत ज्यादा लग रही है
और बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। थोड़ा डर भी लग रहा है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा। मैगी निपटाते हैं और कैंप के अंदर जाते हैं और कैंप के अंदर बैठते हैं। अभी इतनी बची है, इसको भी निपटाना है। अरे वासी भाई तुम भी खाओगे? क्या मना कर रहे हो? खाओ खाओ, मैं ना हो गया भाई, मैंने डाल दिया तुम्हारे कटोरे में। ओहो भाई गरम इतना ना। गरम कितना हो रहा है भाई? बहुत ही गर्म चल रही है। अबे जगह बहुत कंजेस्टेड है, थोड़ा इधर उधर हुआ है तो सीधा खाई में। ऐसी कुछ आग जल रही है यहाँ पर, और वो जो सामने आप लाइटें देख रहे हैं वो जो है देहरादून शहर है। और मुझको बहुत ज्यादा मिर्चें लग चुकी हैं, मेरे से बोला नहीं जा रहा है। मैं तो खा रहा हूँ चीनी। और ये कुछ हमारे बल्ब वगैरह हैं, मुझको भी चीनी दो भाई, चीनी खानी पड़ रही है। चाय थोड़ा बची हुई है तो उसको गर्म करते हैं और चाय पीते हैं दोबारा से। करो भाई, परवीन भाई जा रहे हैं अब कैंप के अंदर। मैं जा रहा हूँ कैंप में और मैं आपको दिखाता हूँ कैसा रास्ता है हमारा कैंप में जाने का। तो कैमरा मैन आसिफ भाई आ जाओ, थोड़ा इधर दिखा दो यार, नीचे मैं चला जाऊंगा। तो ये है कुछ कैंप का रास्ता, आपने देखा होगा, ऐसे पेड़ से चढ़ के घूम के वापस आना है। तो ऐसा कुछ जो है हमारा रास्ता है कैंप में जाने का। आप ये देख सकते हैं कहाँ कहाँ से चढ़ के आशीष भाई को बड़ी मुद्दतों से चढ़ के ये कैंप तक पहुँच चुके हैं वहाँ पर। और दिख नहीं रहा, ये आशीष भाई पहुँच चुके हैं कैंप में बड़े ही मुश्किल रास्ते से। और मैं अभी बाहर आया हूँ और इनकी बत्तीसी दिख रही है बस यहाँ पर। हाँ अब दिख रहे। तो ये पहुंच चुके हैं कैंप में बहुत ही अच्छे तरीके से। और ऐसा कुछ हमारा रास्ता है, ये देखो यहाँ जो है खाई के ऊपर कैंप लगा हुआ है। और ये बिल्कुल रास्ता नहीं है, ये अलग पहाड़ है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ऐसे खाई है दोनों तरफ बीच में, इधर और उधर। तो गाइस खाना पीना हमारा जो है हो चुका है और अब हम आ चुके हैं कैंप के अंदर और लेट चुके हैं कैंप के अंदर। और बाहर जो है काफ़ी ठंडा है, बहुत ज़्यादा जो है पाला गिर रहा है। और अब हो चुका है सोने का टाइम। आशीष भाई टाइम कितना हुआ भाई? टाइम कैसे दिखाऊं मैं? अच्छा इन्होंने जो है मोबाइल से फ्लैश जला रखी है, मुझको ही देखना पड़ेगा। तो हम भी अंग्रेज हो। टाइम हो चुका है कितना यार, उल्टा दिख रहा है। तो टाइम हो चुका है 11:45 और अब हम सोच रहे हैं कि हमें जो है सोना चाहिए क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है और वीडियो भी बन चुकी है काफ़ी हमारी और फ़ोन भी काफ़ी जो है हमारा स्टोरेज जो है फुल हो चुका है। तो गाइज यहाँ पर जो है पूरा जंगल है और इस बारी जो है हम जंगल के बहुत ज़्यादा अंदर आए हैं और यहाँ पर अंदर नहीं ऊपर, हाँ मतलब जंगल के अंदर आए हैं, बहुत अंदर डीप जंगल में आए हैं। और यहाँ पर काफ़ी ऊंचाई पर हैं हम लोग और कैंप भी हमने जो है एक पहाड़ी के ऊपर लगाया है। तो गाइज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत जय भारत।